तो आज के गेम्स और मूवीज के एपिसोड में देखने वाले हैं ऐसी मूवीज जो गेम और एनिमे सीरीज के ऊपर आने वाली है, एंड साथ ही दूसरी अपकमिंग सीरीज मूवीज और गेम्स देखने वाले हैं जो 2024 या 2025 में आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना वरना काफी कुछ मिस हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पर स्पेसमैन करके एक मूवी आने वाली है। इसका टीजर तो लॉन्च हुआ है पर उसमें कुछ खास पता नहीं चल रहा, पर जो एस्ट्रोनॉट है वो जंगल में है और वो भी स्पेस सूट पहन के, तो शायद ये कोई और प्लैनेट हो सकता है जहां से उसे बाहर निकलना हो। 1 मार्च को ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग 5 मार्च को एपिक गेम स्टोर पर रिलीज होने वाली है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ये 2 फरवरी को रिलीज हो जाएगी। स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर यहां पर काफी अच्छी खबर है कि जनवरी में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है, तो शायद ये 2024 की एंड में देखने को मिल सकती है। ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो सीजन 5 सीजन 4 से लंबा हो सकता है। सीजन 1 एंड 2 में 10 एपिसोड्स थे, सीजन 3 में 12 एपिसोड्स और सीजन 4 में 13 एपिसोड्स थे, जिसमें से लास्ट 2 एपिसोड तो 2 घंटे के थे, तो पॉसिबिलिटी है कि सीजन 5 लंबा हो सकता है। प्रोजेक्ट मद्रास करके एक ओपन वर्ल्ड गेम आने वाला है जो चेन्नई पे बेस्ड है। गेम अभी डेवलप हो रहा है तो इसे अभी और इम्प्रूव किया जाएगा, एंड कैरेक्टर की वॉकिंग स्टाइल थोड़ी अनरियल लगेगी बिकॉज उसके लिए मोशन कैप्चर का यूज होता है, जिसमें रियल ह्यूमन डेटा को एंजन के अंदर इम्पोर्ट किया जाता है, एंड वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। वैसे इसकी रिलीज 2025 तक होने की उम्मीद तो है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी जब से आई है तब से लोग इसके पार्ट 4 का वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर्स इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एक्साइटेड तो है, बट कुछ कैरेक्टर्स शायद पार्ट 4 में नहीं दिखेंगे क्योंकि एंड में सब लोग जो है अलग हो जाते हैं और रॉकेट अपनी एक अलग टीम बना लेता है, सो पार्ट 4 में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जैक स्नाइडर ने कहा है कि वो शायद फॉर्टनाइट की एक मूवी बना सकते हैं। वैसे ये बस अभी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मूवी आती है तो देखने में काफी कूल लगेगा बिकॉज इसके अंदर काफी क्रेजी वेपन्स हैं। तो अभी तक ये एक पॉसिबिलिटी और रूमर ही था कि GTA 6 का मैप GTA 5 से बड़ा होगा, लेकिन अब ये पक्का हो चुका है कि ये एक्चुअली बड़ा होने वाला है। इसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, वाइसडेल काउंटी, लियोनार्ड काउंटी और केली काउंटी, एंड काफी सारे लोकेशंस रियल वर्ल्ड से ही लिए गए हैं, एंड गेम का वेट तो सब लोग कर ही रहे हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज वेंसडे की शायद स्पिन ऑफ आने वाली है जो अंकल फेस्टर पे फोकस्ड है, पर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के हिसाब से सेल्स के मामले में PS5 ने Xbox को पीछे छोड़ दिया है। PS5 ने 22.5 मिलियन यूनिट सेल किए हैं, जबकि Xbox ने सिर्फ 7.6 मिलियन सेल किए हैं। एक रीजन ये भी है कि PS5 को परफॉर्मेंस में अच्छा माना जाता है, जबकि उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, एंड PS5 की एक्सक्लूसिव गेम्स Xbox से बेटर भी है, जैसे स्पाइडरमैन एंड गॉड ऑफ वॉर, जबकि Xbox में एक फोर्ज़ा होराइज़न काफी अच्छी है, उसके अलावा कुछ इतना खास नहीं है। मेरी फेवरेट एनिमे चेनसॉ मैन की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम होने वाला है चेनसॉ मैन रीज आर्क, और इसकी स्टोरी ओरिजिनल मांगा के एक पॉपुलर सेक्शन से होने वाली है, पर रिलीज के बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जियो क्लाउड गेमिंग अभी 30 दिनों के लिए फ्री ट्रायल पर है, एंड तुम्हें इसे रेंट पर लेना हो तो 200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो, पर अभी इस पर इतनी अच्छी गेम्स नहीं आई है तो तुम थोड़ा और वेट करो तो अच्छा रहेगा। डेवलपर्स ने कहा है कि फ्यूचर में फोर्ज़ा होराइज़न और GTA 5 जैसी गेम्स भी होगी, पर उसके प्लान्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। कैजू नंबर 8 8 अप्रैल को ट्विटर पर स्ट्रीम होने वाली है। एनिमे हिस्ट्री में ये पहली बार है कि किसी एनिमे को सोशल मीडिया पर स्ट्रीम किया जाएगा, एंड साथ ही इसे क्रंचीरोल पर भी स्ट्रीम करने वाले हैं। आर्क 2 गेम पर अभी भी काम चल रहा है एंड उसे आने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा। इसे 2024 तक रिलीज करने की सोच रहे हैं, एंड ये PS5 के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सबॉक्स सीरीज XNS और PC के लिए ही आने वाली है। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मेहम की सीक्वल जल्दी देखने को मिलेगी, जिसमें श्रेडर को सुपरफ्लाई से 100 गुना ज्यादा खतरनाक दिखाया जाएगा। म्यूटेंट मेहम में सुपरफ्लाई दिखने में तो काफी बैड एस था, पर उसे काफी कूल तरीके से दिखाया था, जो मुझे तो उतना पसंद नहीं आया। वो एक्चुअल में भी बैड होता तो और ज्यादा अच्छा रहता। सीक्वल की डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर ये 2024 में आ सकती है। सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं सिर्फ मूवीज एंड गेम्स की न्यूज वीडियो ही बनाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।